Hey, dear friends, we have produced one channel on YouTube, jiska naam hai Informative on Transmission Line Execution. In this channel mein, hum log transmission line ka execution ka nitty gritty ka baare mein janenge. Hum log transmission line ka aadmi hoke humko pata hai foundation, erection, stringing ka baare mein. But bahut sari cheez rehta hai जिसको हम लोग देखते हैं उसके बारे में हम लोग को पता नहीं चलता, नहीं तो ओवर लुक कर जाता है जिसमें हमको पता नहीं है सोच के. तो वो सब चीज़ ये चैनल में हम लोग लेके आएंगे. ये इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग को पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ जो है जिसको हम लोग को बहुत सारे आदमी को डिस्कस करने के लिए सुना है, कभी कभी ड्राइंग में दिखाया है बट हमको पता नहीं चला है. ऐसा चीज़ के लिए हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग बोलेंगे स्लोप डायग्राम क्या है, स्लोप डायग्राम का डिटेल्स में रहेगा, स्लोप डायग्राम का यूटिलिटी के बारे में पता चलेगा. दूसरा रहेगा स्टाफ का लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉप का जो डायमेंशंस रहेगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, शटरिंग का जो फेब्रिकेशन जैसा चिमनी फस्टम बॉक्स इसको कैसे बनाता है, उसका पीछे कैलकुलेशन क्या है, कैसे उसको एडजस्टेबल किया जाएगा. उसके बाद टावर डायरेक्शन का कुछ कैलकुलेशन रहेगा, जंपर का लेंथ कैलकुलेशन रहेगा, टावर डायरेक्शन और स्ट्रिंगिंग का टीएनपी के बारे में भी कुछ डिस्कशन उसमें रहेगा. तो आज हम लोग पहले शुरू करते हैं कि स्लोप डायग्राम को लेकर. पहले तो है स्लोप डायग्राम क्या है. ये स्लोप डायग्राम है बेसिकली, ये स्लोप डायग्राम है जिसमें हम लोग को फाउंडेशन और इरेक्शन हम लोग को ये स्लोप डायग्राम बेसिकली हम लोग फाउंडेशन ड्राइंग में तो इरेक्शन ड्राइंग में दिखा देते हैं और इसको बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. आप लोग स्लोप डायग्राम को अगर सही से देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि स्लोप डायग्राम में दोनों ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होता है. एक मैंने एक स्लोप डायग्राम यहाँ दिखाया है. ये स्लोप डायग्राम का पहले आप थोड़ा देखिए, इसमें दो ड्राइंग दो ट्रायंगल है एक स्लोप डायग्राम में. इसमें है ए बी सी एक ट्रायंगल, ए सी डी दूसरा ट्रायंगल. ये दूसरा जो ट्रायंगल, ये दोनों में हम लोग को क्या है, ये जो ए सी है ए सी को हम लोग फर्स्ट स्लोप बोलते हैं और ड्राइंग में भी मेंशन रहता है, और ई ए डी को सेकंड स्लोप बोला जाता है. अब ये टावर का स्लोप का ड्राइंग का हिसाब से हम लोग ए बी और ए सी कैसे कैलकुलेट करते हैं. पहले आप देखिए, कभी भी टावर स्लोग्राम डायर में ऑलवेज 1000 रहता है. 1000 मीन्स ए ए बी इज अ वर्टिकल हाइट और ए सी एक्चुअली हाइपोटेनस है, जिसमें ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी सी ए बी का पर 90 डिग्री है. तो इसी सबसे पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं ए सी का इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. हमने यहाँ डायमेंशन डाल दिया, ये आ रहा है 1008.14. तो मतलब ये हमारा स्लोप डायग्राम के हिसाब से फर्स्ट स्लोप आ रहा है 1008.14. अभी हमको ए डी को ड्रॉ करना है. तो ए डी को ड्रॉ करना है तो क्या है, ए डी में जो ए सी डी ट्रायंगल है इसमें ए सी एंड सी डी दोनों परपेंडिकुलर है और ए डी इसका हाइपोटेनस है. तो इसलिए ए सी का डायमेंशन हमने यहाँ डाला और सी डी का डायमेंशन डाला. डालने के बाद हमको ए डी मिला. ये स्लोप डायग्राम में आप गैर से देखिए, इसमें ये बी सी और सी डी दोनों का सेम ही डायमेंशन है, 130 130. आप कभी भी स्लोप डायग्राम देखेंगे तो एक कमन चीज़ तीन रहेगा, एक 1000 इज ऑलवेज कमन और बी सी और सी डी का वैल्यू दोनों सेम रहता है. इसका हिसाब से ये स्लोप डायग्राम के हिसाब से हम लोग टावर का स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वो कैसे, हम लोग इसमें आप देखिए ये जो ए सी ये जो
ईबी का साथ जो एंगल कर रहा है ये है अल्फा। तो अभी इसका अगर टेन अल्फा हम लोग टेन का वैल्यू लेते हैं तो टेन का वैल्यू जो रहेगा वो टावर स्लोप रहेगा। यहाँ क्या है, यहाँ बी सी, बी सी इज योर बेस नॉर्मल एंड ए बी इज योर बेस। सो टेन अल्फा इक्वल टू नॉर्मल बाय बेस। सो नॉर्मल इज बी सी 130 और आपका बेस है 1000, ये आके आया 130.13। तो इसी हिसाब से हम लोग टावर का एंगल जो है वर्टिकल का साथ वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको अल्फा को लेके टेन इनवर्स करके इसका मैन आता है 7.41। इसको कैसे हम लोग टावर का ड्राइंग में इसको कैसे टावर नहीं तो प्रॉप सॉरी स्टाफ सेटिंग ड्राइंग में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये इसको कैसे हम स्लोप डायग्राम इसमें एक्सप्लेन किया जाता है वो मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये हम लोग का जो टावर का ड्राइंग होता है, जो टावर का स्ट्रक्चर का जो खड़ा होता है, ये बेसिकली एक ट्रंकेटेड पिरामिड है जिसकी ऊपर पार्ट नीचे पार्ट से ऑलवेज छोटा रहता है। तो इसलिए अगर मैं इसमें वो स्लोप डायग्राम को प्लॉट करना चाहूँ तो इसमें आप देखिए ये जो पोर्शन मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पोर्शन और इधर जो हमने दिखाया ये दोनों बराबर है, दोनों सेम ही हैं। इसको क्या है, इसमें जो AG आपका जो AF है, AF बेसिकली हमारा फेस है, ये फेस वर्टिकल का साथ, ये वर्टिकल है AG, इसका साथ जो एंगल कर रहा है ये है अल्फा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्लोप। मतलब फेस वर्टिकल का साथ जो एंगल करेगा वो फर्स्ट स्लोप होता है। और ये जो पार्ट जिसको हम अभी आपको शो कर रहे हैं ये होता है आइदर स्टाव और लेग। अभी इसका ये एफ को थोड़ा सा इधर हटा के मैं अगर इधर लेके आऊँ क्लैरिफिकेशन के लिए तो आप लोग को समझ में आएगा। तो ये एफ इज द फेस, तो ये एफ फेस के ऊपर जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी फेस का बराबर ही आएगा। अभी ए से अगर मैं एक उलम झुला दूँ ए जी तक और एफ से ए जी का तक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ तो यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ होता है जैसा ए जी एफ। ये ए जी एफ और आपका इधर जो ए बी सी ये दोनों सिमिलर हो गया। अभी ये पोर्शन में, अभी ये पोर्शन में अगर हम आए तो इसमें क्या हो गया, एफ जी का एक डायमेंशन हमको मिला, डी एफ का एक डायमेंशन मिला। ये डी एफ और एफ जी ये कहाँ से आए ये हमको आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे टावर में दो तरीके का फेस रहता है, ट्रांसवर्स फेस लॉन्गिट्यूडिनल फेस। मैंने पहले ही बोला कि ये फेस है, ये फेस का है, ये फेस वर्टिकल का साथ जो एंगल करता है उसको बोलता है फर्स्ट स्लोप, दैट इज अल्फा। ये ट्रांसवर्स फेस में ये ट्रंकेटेड पिरामिड है इसलिए ए बी इज ऑलवेज लेसर देन डी सी। यहाँ ए बी ऑलवेज लेसर देन डी सी। तभी यहाँ से अगर हम डी सी अगर ए बी से जब ज़्यादा हो रहा है तो ए से अगर हम यहाँ एक वर्टिकल ड्रॉ करें डी एफ का पर्स तो डी एफ आएगा। और सिमिलरली इधर साइड में बी सी का पर अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दैट इज बी एच तो सी एच पार्ट रहेगा। अभी हमको डी एफ और सी एच टावर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ए डी सी माइनस ए बी बाई टू रहेगा, ए डी सी, ए डी एफ और जो सी एच ये दोनों सेम ही रहता है। तो हमको ये जो डी एफ है ये डी एफ हम लोग ट्रांसवर्स फेस से पता चला। अभी एफ जी को कैसे पता चलेगा, एफ जी को पता चलेगा हमको लॉन्गिट्यूडिनल फेस के लिए। तो लॉन्गिट्यूडिनल फेस के लिए क्या है, इधर देखिए ये जो बी और डी डैश हमने किया और सी और ई किया तो यहाँ भी एक ट्रंकेटेड पिरामिड है। तो इसी हिसाब से सी ई डैश
इज ग्रेटर देन बी डी डैश्ड। तो इसलिए सिमिलरली अगर हम बी से एक परपेंडिकुलर यहाँ का ए सी फेस का पार्ट ड्रॉ करें, सिमिलरली डी डैश से अगर सी का पार्ट हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो क्या रहेगा, ये जो एफ जी आएगा, एफ जी इजिकल टू सी एफ, यहाँ जो एफ जी है ये एफ जी हम लोग सी एफ का बराबर, सी एफ डैश का बराबर इक्वली कर रहा है। तो ये क्या है, इक्वल टू सी ई डैश माइनस बी डी डैश बाई टू। तभी हमको समझ में आया कि सी एफ ए एफ जी कैसे मिला और डी एफ कैसे मिला। आप देखेंगे कि ये दोनों डी एफ और एफ जी दोनों सेम ही रहेगा, डी एफ और एफ जी दोनों सेम ही रहेगा। इसके लिए कभी भी टावर स्लोप डायग्राम में ऑलवेज सेम रहता है। जैसे देखिए बी सी और डी सी ये सेम है। अगर हम ये एफ जी को प्लॉट में करें इन सिमिलर इसकी बराबर, तो आपको क्या आएगा, यहाँ आएगा जी एफ, जी एफ, जी एफ इक्वल टू बी सी एंड डी एफ, डी एफ इक्वल टू डी सी। इसी हिसाब से हम लोग स्लोप को, इसी हिसाब से स्लोप को ड्रॉ किया जाता है और इसको इसी हिसाब से यूज़ किया जाता है। अभी इसमें थोड़ा सा अगर आप लोगों को इसमें पावर टावर डिडक्शन ड्राइंग और स्लोप ड्राइंग में थोड़ा सा अगर कोई कन्फ्यूजन है, तो उसको क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग एक फाउंडेशन ड्राइंग को रिफ़र करते हैं। ये फाउंडेशन ड्राइंग को डेटा को हमने इनका साथ इसका हिसाब से हमने ड्रॉ किया। देखिए जैसा ऊपर में क्या है, ए बी है, नीचे है डी सी, यहाँ भी मैंने यही किया, या ऊपर ए या बी या डी या सी, इधर मैंने एफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका ऊपर, और एच यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब बी एच डी सी का परपेंडिकुलर है और ए एफ डी सी का परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यहाँ भी मैंने वही किया। यहाँ से डायमेंशन के हिसाब से अगर ए बी 2150 है तो डी सी 2550, तो डी एफ जो है, डी एफ और सी एच दोनों सेम ही है, वो 200 होता है। इसी हिसाब से फाउंडेशन का ड्राइंग का हिसाब से टावर इरेक्शन का भी सेम ही होता है, मतलब ये सभी भी टिपिकल होता है, ये सी एच और डी एफ जैसा इक्वल है, ये चारों साइड में रहेगा, चारों साइड मतलब इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, चारों साइड में सेम रहेगा। अभी यहाँ से दो चीज़ इसमें थोड़ा गैर करिएगा, इधर हमने टावर, इधर हमको स्लोप डायग्राम दिया हुआ है, तो स्लोप डायग्राम ओनली दिया हुआ बट टावर स्लोप दिया नहीं है। तो इधर से स्लोप डायग्राम से हम लोग टावर का स्लोप को कैलकुलेट किया, और इधर फाउंडेशन ड्राइंग में हमको टावर स्लोप दिया है। अभी उसी हिसाब से हमने इनका स्लोप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए टावर स्लोप में क्या दिया, 0.1463532। तो इसका हिसाब से हम लोग टावर स्लोप को ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या है, मैंने बोला था ऑलवेज ये वर्टिकल 1000 रहेगा, तो 1463 आएगा। ये 1463 इसलिए आ रहा है कि इधर जो स्लोप डायग्राम दिया हुआ है 0.1463, ये इसलिए आता है 1463 इसलिए आता है 146.3 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज इक्वल टू 10 अल्फा। अभी जैसे ए बी सी
इसमें ये बेस, ये नॉर्मल, ये बेस, तो ये हाइपोटेनस आया। ये हाइपोटेनस कैसे आएगा? नहीं, ए वी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों का समेशन करके रूट करेंगे तो 101064 आता है, 645। ये हमारा आता है फर्स्ट स्लोप। दिस वी कैन राइट एज ए फर्स्ट स्लोप। अगेन 16 स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इजिकल टू ए डी स्क्वायर। तो अभी हम 101.645 स्क्वायर प्लस 146.3 स्क्वायर करके रूट करेंगे तो ये आएगा 1021.179। इसको हम लोग सेकेंड स्लोप बोलते हैं। फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग इसको बोलते हैं एसी को, ये जो एसी हम लोग एसी को लिखा है, ये एसी को हम लोग बोलते हैं एचएफएस, दैट इज हाइट फॉल इन स्लोप। एंड जो ए डी है, ए डी को बोलता है डेवलप्ड लेंथ। अभी ये ए सी और ए डी का यूजफुल ये है, जब हम इसमें जाएंगे, जब हम कोई प्रॉप का सेटिंग का डायमेंशन में जाएंगे, नहीं तो टावर का कुछ एक पैनल का डायमेंशन, ऊपर का डायमेंशन है तो नीचे का डायमेंशन का ज़रूरत पड़ेगा, तब हमको ये ए सी काम में आएगा। ए एफ जो है और ए जो ए सी है, ये जो ए सी और जो ए एफ है, ये दोनों सेम ही है, ये इसमें आपका हाइट एंड फ्लो स्लोप फर्स्ट स्लोप में आएगा। और ए डी जो है, ये एक्चुअली आपका डेवलप लेंथ में आएगा, जो कैलकुलेशन में स्टाफ का लेंथ का कैलकुलेशन में आएंगे। अभी आपको बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए एक ड्रॉ करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमारा, ये जो पेंसिल आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, इसको हमने ऐसा कर दिया। मैं पहले ही दोनों को दिखा रहा हूँ। ये दिस इज़ योर हाइट, वर्टिकल हाइट। अब ये वर्टिकल हाइट को मैं ऐसे सुला दिया या मैं पेन को रखा, तो देखिए यह एक एंगल ये ड्रॉ कर रहा है। ये ऐसा था, ये ऐसा है, इसको ऐसा किया। ऐसा करने के बाद भाई इसको ए ऐसा था, ये ऐसा था, इसको ऐसा स्लोप में ले आया, ऐसे आया, ऐसे आया। तो यहाँ एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेन अल्फा। तो आई थिंक इसमें आप लोग को थोड़ा क्लियर हुआ है कि फर्स्ट स्लोप और सेकेंड स्लोप के बारे में। तो अगला जो वीडियो में हम लोग इसको दिखाएंगे कि ये फर्स्ट स्लोप और सेकेंड स्लोप को लेके हम लोग कैसे स्टाफ का लेंथ का कैलकुलेट करते हैं और प्रॉप का डायमेंशन कैसे आगे आता है। डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन इंफॉर्मेटिव चैनल वी हैव मेड फॉर पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ निटिगिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स। येस, वी एज अ ट्रांसमिशन लाइन पीपल, वी नो वट इज फाउंडेशन एंड वट इज इरेक्शंस एंड द स्ट्रिंगिंग्स। सो इट नीड नॉट टू बी डिस्कस इन डिटेल्स बिकॉज ऑल वी आर अवर ऑफ द फैक्ट, बट देर आर द सम फैक्ट्स और इशूज और सम नोइंग फैक्टर्स, अननोन फैक्टर्स आर देयर दैट वी आइदर इट इज वी जस्ट वेव ऑफ और डू नॉट टेक केयर एज वी डोंट नो दिस। सो इन दिस चैनल वी विल जस्ट एक्सप्लेन हाउ वट इज दोज डिटेल्स एंड how we can utilize that details or the calculations in our practical field. In these channels you will find out some nitty-gritty, that is slope diagrams, then calculations of stop length, then prop setting dimensions calculations, fabrications of shutterings, how we can make it the chimney for adjustable, the form box adjustables. There are some tower erections calculations, and like this all the things that
we get it from some other pupils, from maybe from designing or some other sections. But we don't have the detailed calculations or the detailed know about for that. We will upload the videos one by one by getting one topics. So for this you need to have a patience for that. So today the first things we will go for the slope diagram. We'll explain what is the slope diagram, it means, and how it works for calculations of staves and your panel dimensions and all. So in this slope diagram, you are very much aware of the fact on this diagram. This slope diagram is basically is the combinations of the two triangles, that is one VC1 and ACD other one. Here thousands, you will see always the thousands will be there. Basically thousands is the vertical height, it used to mention it that. And 13, this is the 130 which I have mentioned it. In some cases, as per the tower slope, these dimensions varies. I will explain how it is varies. And this, once we get these dimensions, similarly, these dimensions also will be same as per the tower configurations. Now in this slope diagram, you can see it is a mention is AC is the first slope and AD is the second slope. Now how you can get it the AC? Because it is the ABC is the right angle triangle. Here BC is perpendicular to AB. So now applying the Pythagoras formula, we can get it that AC is equal to 1008.14. Similarly, ACD also is a right angle triangle where DC and AC are perpendicular to each other, AD is the hypotenuse. So applying Pythagoras formula, we can get it that AD also. Now on this tower slope diagram, we can find out the tower slope. The tower slope is always mentioned in the Bhatra tan alpha. So this is the alpha we are getting here. So putting the tan alpha here, so tan alpha equal to normal, this is normal by base. So here it is a normal is 130 and base is 1000. So now it is coming 0.13. This is the alpha we are getting from the scientific calculator, it is coming 7.41. Now how this slope diagram can be put into the tower configurations, that I have explained here. We all know that the tower configurations is a truncated pyramid up to the waist level, where the top one is always smaller one than the bottom one. Here what I actually done, you just note down it. One, this is the person which has been rounded. This is as similar as this one. Here it is the two triangles, it is the combination of the two triangles. Here it is the combinations of the two triangles. Here the triangle is AGF and AFD. Where, what actually I have done for this particularity, from A, I have drawn a normal. Let us assume that we have put a ulam, suspended a ulam and put a vertical normal on the FG. So now this AF is the hypotenuse and this AF is nothing but the face. This face is making a angle with the vertical angle alpha. So that's why it is called the first slope. So basically first slope is the slope of the face. Now in combination of the first slope and the dimensions available with this, we can get it the second slope. This is the second slope is basically finding is required to find out the length of the stub or the leg. Here there are two things we are getting through. What to get the dimensions, we need to have the dimensions FG and the DF.
Now how we can get DF and FG, that has been explained in the next picture. We know there are the two faces in the transmission lines, that is transverse face and the longitudinal face. Transverse face having two face, one side and the back side, and the longitudinal face is this side and the that side. You can just look into this. This is the line is moving from X to Y. This face is the transverse face and this is the longitudinal face. So transverse face, it is one transverse face, it is the near side, and this was the transverse face, it is the far side. This is the longitudinal face, near side, and that was the longitudinal face, it is the far side. Now if I draw this transverse face in line with this drawing, so we are getting it that AB, DF and CH. So I have to find out this DF. How we can get it? Because AB is always lesser than DC. Now DF and this DF and CH both are equal. That's why what I am getting, this DF equal to DC minus AB by 2. This is equal to CH also. So from transverse face we are getting the DF. Now for FG we have to go through the longitudinal face. So now come into this picture, this is longitudinal face. I have drawn it the longitudinal face. Here it is the BD dashed, and this one is the CE dashed. What I have done it from B, I have just draw a normal on CE, that is BF is the normal, and from D dashed we have done a normal DM on the CE. So in this case CF is equal to ME, CF equal to ME, that is CE dashed minus BD dashed by 2, because CF and ME dashed are both same. So now if we correlate this drawing with this dimensions, we can get it through that CF and FG are equal. As per the tower configurations, principally this FG and DF are equal. So now from this tower slope diagram, I think we have explained how these dimensions are coming and how we can correlate this with the slope diagram. So now for better clarifications, we can refer it for the foundations drawing also. We have taken one foundation drawings where you can see this is A, B and D, and this is C. This A, B and DC is actually drawn in line with the configurations that I have drawn here. So as I told you that DF dash and CH are both same, that we can find out from these dimensions. Here AB is 2150 and DC is 2550. AB is 2150, this is AB, it is 2150, and other one is DC, this is 2550. So now if we have the DF and the CH, this is DF and this is CH, so both are same. So how we are getting it that, so 2550 minus 2150 divided by 2, so this is coming 200. So all the tower slope diagrams, whatever we are mentioning, and the sloping diagram is based on this principle. In this foundations drawing, what is has been happened, this is the tower slope has been mentioned, that is tower slope is equal to 0.1463532. tower slope is nothing but that is the tan alpha. This is the tan alpha. Now what I have done it here, you can come this, the this is, you can note down it that the tower slope is 0.1463532. Basically how we are getting it that, for drawing it this tower slope, I have already told that vertical is always 1000. So if it is the vertical is 1000, so definitely
this part will be 146.3 because tan alpha equal to this is normal by base. From this drawing you can see this is normal, this is base. So now it is coming tan alpha equal to 0.1463. So after getting this tan alpha, so we can find out this is the base, that is BC. This dimension is nothing but it's a BC, and this is 1000 is AB. So when I get the BC, so as per the configurations, this BC and the CD should be same. So that's why it is 143.3 and this is 146.3. Now on the basis of the Pythagoras formula, so we can get it that AC equal to AB square plus BC square root over of that, and then root over of that summation of the square. It is coming 1010.641, as I told you, this is a first slope, and this one is AC square plus CD square. Then we got it one figure, that is the summation of this square, and then if we go the root over this, then we can get it AD, that is 1021.179. This is also the Pythagoras formula on right angle triangle. This is the called second slope. This 1011 and 645, we can take it as a, technically it is known as HFS, that is height falling slope. Means it is my height, this is falling slope, means this has put down on the slope. Now we can find out this. Now you can see this. This is my vertical. Now it is height falling slope. So now earlier, initially this pin was in the vertical. Now it is coming into the hypotenuse. That's why it is called AC is equal to height falling slope, HFS. And this AD, which I have shown it here, this AD is nothing but the developed slope. This HFS is basically required when I will get the calculations for either this bottom or the top. If anyone is given on the basis of this HFS, this you are seeing is the red color. This on basis of the HFS, we can find out this. The other one means if VC is given, is DC is given, we can find out AB, or AB is given, we can find out DC. And this developed length, that is this AD is here. AD is actually here. This AD is required to find out the stub length or the leg length. I think the slope diagram, it has been explained. And hope the clarifications have been clarified properly. So best luck to all of you, and we will upload the next video for finding out the stub lengths and prop set of calculations. Goodbye, best of the day. Thank you.